नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल लेट्स फन टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ डिवाइस के कनेक्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मेरे साथ ब्लूटूथ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बता दूँ। मेरा ब्लूटूथ ऑन है और मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके गो टू सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं ब्लूटूथ सेटिंग्स में आ चुका हूँ। जो मेरा डिवाइस है फिंडा A180X, इसी के कनेक्शन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मैं जब इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये सिंपली यहाँ कनेक्टेड दिखा देती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बट जब मैं कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं अगर यहाँ म्यूजिक प्ले करता हूँ तो यहाँ लैपटॉप के स्पीकर से आवाज़ आ रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिवाइस है ऑलरेडी कनेक्टेड है, ओके, बट आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है ब्लूटूथ के किसी भी डिवाइस के ऊपर, चाहे हेडफोन हो, ईयरफोन हो, ईयरड्रॉप्स हो, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर या फिर होम थिएटर हो, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और सारे स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करें, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, और रिस्टार्ट करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है देन आप नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको विंडोज़ आर प्रेस करना है और रन पे आपको टाइप करना है services.msc, देन आपको ओके पे क्लिक करना है, देन यस। और इसमें से आपको ब्लूटूथ की चार सर्विस आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसमें से चारों सर्विस को आपको राइट क्लिक करना है, एक एक करके सबको रीस्टार्ट कर देना है, ओके। और रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर इस बार आपको टाइप करना है रन पे devmgmt.msc, ओके, देन आपको यस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने डिवाइस मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से आपको ब्लूटूथ को एक्सपेंड करना है और यहाँ से आपको आपके मॉडल के अकॉर्डिंग जो ही ब्लूटूथ डिवाइस होंगी उसकी ड्राइवर आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। तो इसके आपको राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है, ठीक है। याद रहे फ्रेंड्स, अगर आपका ड्राइवर अपडेट करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, ओके। इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी आप इसे अपडेट कर पाएंगे। इस पर आपको राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, ओके। और अगर अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो सिंपली आप इसे एक बार रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे डिसकनेक्ट कर दें, ओके, उसके बाद यहाँ से रिमूव कर दें। समटाइम्स यहाँ से रिमूव करने में दिक्कत आती रहती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा डिवाइस मैनेजर से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से अनइंस्टॉल डिवाइस पे आपको क्लिक करना है, ओके। अनइंस्टॉल डिवाइस पे आपको क्लिक करना है, देन अनइंस्टॉल आपके मॉडल से रिलेटेड जो भी है उस पर आपको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओके। और इसके बाद इसे क्लोज कर देना है, ओके। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिंडा A180X जो थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद आपको फिर से एड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ से अपने डिवाइस को फिर से पेयर करना होगा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी लिस्ट आ जाएगी और इसमें आपसे इस यहाँ से आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुकी है। और अब मैं एक म्यूजिक को प्ले करके देखता हूँ कि ये कहाँ प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स, साउंड से आपको पता चल गया होगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा मिस्टेक भी हो जाता है कि इसमें आपको कनेक्शन की आवाज़ सुनाई देगी, कनेक्शन आपको प्रॉपरली कनेक्टेड दिखेगा, बट आपका आवाज़ लैपटॉप से ही आ रही है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ सपोज़ मैंने यहाँ से ये ऑडियो प्ले किया, ओके, और यहाँ पे इस पर आप देख सकते हैं ऑडियो पे, ठीक है। यहाँ से आपको क्लिक करना है, ये अप एरो
आप एरो है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं स्पीकर्स ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप से स्पीकर लैपटॉप के स्पीकर से आवाज़ आने लगी है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर इस सेटिंग्स को भी चेक करके देख लें। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सुझाव या फिर राय हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उस केस में भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इनेबल कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चले आए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।